Are you ready? जिस शख्सियत की वजह से सब मैं कर पाया, मेरी बैकबोन, मेरी नीड कड़ी, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। जब मैं 10,000 रुपए कमाता था तब वो मेरी लाइफ में आई थी और उसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि मैं आज अगर इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी वाइफ का है, जो मुझे घर पे रुकने नहीं देती, कह रही जाओ फील्ड में जाओ। और ये बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं बहुत आलसी इंसान हूं, और इस आलसी इंसान से इन्होंने काम करवाया और आज ये आलसी इंसान 16-16 घंटे काम कर लेता है। और मैं थोड़ा थक गया हूं, तो मैं चाहता हूं ये 2-3 टिप्स दे दें आपको। अगला कन्वेंशन फिर देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि परमिशन भी लेनी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाकी किसी भी मुद्दे पे बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं। मेरा नाम सानिया मलिक है और जो भी बता रही हूँ उसके पीछे एक लॉजिक है और लॉजिक बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले मैं एक औरत हूँ और अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैं MBA हूँ, और अगर करियर की बात करूँ तो मैं एक बहुत रेपुटेड कंपनी रिलायंस में एज ए रीजनल हेड मैंने जॉब किया है, जो मैं छोड़ चुकी हूँ। अब बात करते हैं एजुकेशन क्यों बताई थी, क्योंकि मैं अब थोड़ी हार्ड लैंग्वेज यूज करूंगी, शायद लोगों को लगे कि ये ऐसी गुंडो जैसी बातें क्यों कर रही है। क्योंकि बहुत पहले मैंने एक मूवी का डायलॉग सुना था कि एक जो हीरो है वो विलन को बोलता है कि आपके और मेरे बीच में ये सिर्फ सूट का फर्क है, ये उतर गया तो मैं आपसे बड़ा गुंडा हूँ। पवन जी से बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे, सुनती थी, कभी पूछा नहीं किसके फोन है, बट सारा दिन सुनती रहती हूँ। कभी प्लान मैंने नहीं समझा, बट वैसे ही समझ जाती, क्योंकि सारा दिन सुन सुन के पक जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भी आप लोगों में से ही निकले हुए लोग हैं, हम भी वहीं से आए हुए लोग हैं, और ये सब जो चैलेंजेस आप शेयर करते हैं या जो फोर्स करते हैं, ये सब यहीं से हम भी निकल के आए हैं। हम सोचते हैं कि पवन जी कुछ नहीं समझते हैं, ये तो वहां बैठे हैं, इनको क्या पता। अभी मैंने बाहर एक किसी का फोटो देखा, सर सामने बैठे हैं, शायद इन्होंने नया नया टाइटल अचीव करा है, कॉन्ग्रेट्स। इनका बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ,
कुछ चीजें आपको अचीव करनी पड़ती हैं, वो आप फोर्सफुली नहीं ले सकते हो। आप कोशिश करते हो। अब माइंड मत करना अगर मैं ये बातें बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आज ये जो बातें बोल रही हूँ आप ये समझिएगा, इस बिजनेस में मैं एक माँ की तरह हूँ आपके लिए। हो सकता है एक्सपीरियंस में और एज में बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा बड़े हों, बट माँ तो माँ होती है। जैसे माँ से अगर पेट में से कोई बच्चा निकलता है तो उसको सब कुछ पता होता है, वो कुछ नहीं छिपा सकता। तो सेम हमारे साथ है, हम भी अपने हर बच्चे को जानते हैं। तो कोशिश कीजिए, कुछ चीजें अचीव कीजिए, उनको जबरदस्ती ना करवाने की कोशिश कीजिए। और एज ए वाइफ मैं जो बता रही थी, अभी मैं कुछ चीजें और शेयर कर रही हूँ। मैंने एक वर्ड यूज किया था कि मैं एक औरत हूँ, तो मैं उस पर फोकस कर रही हूँ अभी। कि मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है बाहर घूम रही थी, शायद मीटिंग में भी आना उनको पसंद नहीं होगा, मुझे भी नहीं था पहले, लेकिन मुझे ना पसंद होते भी मैं बहुत बार बहुत सारी मीटिंग्स में मन मार के तब भी आती। बहुत सारे लोगों ने मुझे पास में देखा होगा, मैं बच्चे का साथ में बैग लेके, उसका कपड़े लेके, गाड़ी में ही उसके कपड़े, सब कुछ सोने का सब वहीं रहता था, फिर भी मीटिंग्स में आती थी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, मेरा भी मन करता था मैं रूम में जाके आराम करूँ, रेस्ट करूँ, लेकिन फिर भी आती। आज नहीं आती, बहुत बार रूम में ही रहती हूँ, इंजॉय करती। लेकिन यहाँ आने के बाद आप उस लाइफ को कॉपी ना करें। अगर आप यहाँ पे आए हो तो उस टाइम का भरपूर फायदा उठाएं। ये टाइम भी आएगा जब आप इंजॉय करोगे, जब शायद आपको आने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन अभी नहीं, अभी वो राइट टाइम नहीं है। और अगर मैं बात करूं पवन जी की, और मैं अपने पति को तो छोड़ती नहीं, मैं किसी और के भी नहीं छोड़ती हूँ, वो भूख है एग्जाम्पल। घर में हो सकता है हरियाणवी बहुत लोगों को समझ में ना आए, मैं बाद में ट्रांसलेट भी कर दूंगी हिंदी में, बट जो एग्जैक्ट मैं लैंग्वेज यूज करती हूँ, बहुत बार मुझे गुस्सा आता है, ये अगर एक दो दिन घर रह जाए, मैं बोलती हूँ इनको कि लुगाइयों के पास ही पड़े रही हो, बाहर निकल के काम करना। हमारा मन नहीं करता है कि हम भी घर पे बैठे सर्दी में हम भी एंजॉय करें। आज इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी पवन जी इतनी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, लगे रहते हैं दिन रात, कभी यहां जा रहे हैं कभी वहां जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को जिंदा रखें, वही है ना दिल मांगे मोर, तो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। तो हमारा काम करने का टाइम है, हम काम करें। और खासकर लेडीज घर में अपने जो भी जेंट्स हैं, जो चाहे वो भाई हो पति हो कोई भी हो, उनको घर पे ना रोके, इवन हम खुद भी आज किसी से पीछे नहीं है, तो हमें भी उनके साथ प्रॉपर सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है आप मीटिंग करो मैं बाहर एंजॉय कर रही हूँ, नहीं, साथ में आइए, साथ में मिलके काम कीजिए। एक और एक 11 होते हैं ना, तो उसी ढंग से कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए, तभी आप अचीव कर सकते हैं। और इस लग्जरी के लिए देखो पेन तो लेना पड़ेगा, हमने भी लिया अपने हिस्से का पेन, और तभी सब कुछ पाया है। तो वो पेन तो आप सबको भी लेना पड़ेगा अगर यहां तक पहुंचना है तो। अकेले हरीश जी या पवन जी ही क्यों यहां पे, आप सब क्यों नहीं, सोच के देखिएगा क्यों नहीं, उसका रीजन कोई और नहीं, आप खुद ही होगे। क्या आज अगर ये इतने घंटे काम कर सकते हैं, ये 18 घंटे 16 घंटे काम कर सकते हैं, इस लेवल पे आने के बाद क्या आप लोग नहीं कर सकते? ये जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, खुद को जाके देखिएगा। आई हूं, बात पैसे की नहीं है, बात अचीवमेंट की है। एक बंदे ने उस चीज को अचीव करा है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ। यकीन माना, जिस दिन आपने इसके बजाय ऐसे कर दिया ना, जिंदगी में आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। क्या बात है। आगे बढ़ते बोलना सर, बगैर करे कोई नहीं आएगा, जो अचीव करेगा वही आएगा।
मेरी बैकग्राउंड भी वही है, ये महंगे कपड़े पहनने से या महंगी जगह रहने से उससे एटीट्यूड थोड़े चेंज हो जाएगा। हम आप में से ही एक हैं और इसलिए रिलेट करते हैं आप लोगों से। आप लोगों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, हम समझते हैं उनको कि चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं वो आप लोग भी फेस कर रहे हो, पर उनसे ऊपर उठ के हमें काम करना है और अपने ड्रीम को अचीव करना है। मुझे नहीं लगता आप लोग जो भी लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ के लिए यहाँ पे आए होंगे। कितने लोग सेटिस्फाई होंगे जो वो लाइफ जी रहे हैं मुझे नहीं पता, अपने आप से पूछिएगा। बट आज मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रही कि हाँ आज मैं फुली सेटिस्फाई हूँ जो मैं लाइफ जी रही हूँ। तो क्या वो लाइफ जो आपके कुछ भी ड्रीम हो सकते हैं, क्या वो लाइफ आप अपनी फैमिली को नहीं देना चाहेंगे? तो उसके लिए आज से ही खड़े हो जाइए, उठिए और मेहनत कीजिए। उन सबके लिए उतना ही एफर्ट्स लगाइए, अपना 100% दीजिए, तब जाके आप देखना कि कितने जल्दी सपने पूरे होते हैं। क्योंकि हमने इतनी कम उम्र में अगर सपने पूरे किए हैं तो बुढ़ापे तक वेट नहीं किया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? तो आप सबके लिए यही बोलना चाहूंगी कि मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेज है। और अगर माइंड मत करना आप लोग अगर कोई चीजें बुरी लगी हो तो, लेकिन जैसे मम्मी समझाती है ना बच्चों को, तो आज मैं वैसे ही आप लोगों को समझा रही। मैंने कोई टेक्निकल बातें नहीं की हैं, मैं बहुत जनरल बातें करती हूँ, लेकिन कोई भी चीज अचीव की जाती है जबरदस्ती ना करें। थैंक यू।